हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल केमिस्ट्री किंग में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस्टीमेशन ऑफ आयरन इन फेरस आयरन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पोटासियम डाइक्रोमेट। इसे मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। ओवर टू पीपीटी। चलिए, तो आपके सामने है इस्टीमेशन ऑफ आयरन इन गिवन फेरस आयरन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पोटासियम डाइक्रोमेट। आपको फेरस आयन का सॉल्यूशन दिया गया है, जनरली मोर साल्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। मोर साल्ट क्या होता है? FeSO4, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और उसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहां हमने डायरेक्ट लिखा है फेरस आयन का कोई सॉल्यूशन। तो आयरन का इस्टीमेशन इस सॉल्यूशन में करना, इस्टीमेशन का मतलब निर्धारण, या आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। पूरा एग्जैक्ट मात्रा बताना है कि आयरन कितना है, तो यहाँ हम ग्राम पर लीटर में निकालेंगे। जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है उसमें कितना ग्राम, आपको तो पता नहीं है कि उस फेरस आयन का स्ट्रेंथ क्या है, या जो मोर साल्ट का सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो अननोन है स्ट्रेंथ। तो स्टैंडर्ड जनरली N/10 पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा लैब में। उससे टाइट्रेशन करके आपको बताना है कि आयरन कितना है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब हुआ, सपोज करो कि रिजल्ट आया X ग्राम पर लीटर, इसका मतलब हुआ कि एक लीटर दिए गए सॉल्यूशन में X ग्राम फेरस आयन। यदि मोर साल्ट का इस्टीमेशन कहेगा तो फिर उसका दूसरा रिजल्ट होगा। हमको सिर्फ आयरन पर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आयरन का इस्टीमेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी लिखना है एग्जाम में। देखिए, एग्जाम में प्रोसीड्योर आपको नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में सबसे पहले आप थ्योरी लिख करके दिखा दो एग्जामिनर को, उसके बाद प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करना है। तो थ्योरी आप यहाँ पर फेरस आयन का सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेट किससे करते हो, पोटासियम डाइक्रोमेट से। पोटासियम डाइक्रोमेट का स्ट्रेंथ नॉन है, हमने बताया कि N/10 हम लेते हैं, यानी स्ट्रेंथ नॉन है, उससे टाइट्रेट करेंगे। तो रिएक्शन क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट, जो डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है क्रोमियम 3+ में, और फेरस आयन को वह ऑक्सीडाइज करता है फेरिक आयन में, जो आपके सामने रिएक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर जो दूसरा लाइन है रिएक्शन का, फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस आयन क्या होगा, एटमिक मास या आयनिक मास ऑफ फेरस आयन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हम एक से डिवाइड किया। आयनिक मास आयरन का 55.85, जनरली हम लोग 56 याद करते हैं, लेकिन चूंकि यह क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसलिए एग्जैक्ट हमने लिखा है आयनिक मास इसका 55.85। तो फेरस आयन का इक्विवेलेंट मास क्या हुआ, 55.85 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 55.85। बस थ्योरी में इतना ही लिखना है, ज़्यादा आप एक आध लाइन लिटरेचर लिख सकते हो। उसके बाद प्रोसीड्योर आपको जो क्लास नोट है, क्लास नोटबुक है, उसमें प्रोसीड्योर लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में प्रोसीड्योर इसका नहीं लिखना है। डायरेक्ट हम आ जाते हैं
ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन पर। तो ब्यूरेट में आप क्या लेते हो, एन बाय टेन पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन, और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में आप लेते हो 25 सीसी जनरली जो दिया गया सॉल्यूशन है फेरेफाइन का या मोर साल्ट सॉल्यूशन वह लेते हैं। तो सबसे पहले ये सीरियल नंबर वन है, ऑब्जर्वेशन वन है, 25 सीसी हमने ले लिया मोर साल्ट सॉल्यूशन का लिया कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें इंडिकेटर दो टू ड्रॉप्स और थ्री ड्रॉप्स उसमें डाल देते हैं, डाइफिनाइलमीन बेंजीन सल्फोनेट है वो डाल देते हैं, और इनिशियल रीडिंग ये ब्यूरेट में जो एन बाय टेन पोटासियम डाइक्रोमेट आपने लिया है तो ब्यूरेट रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग है 1.10 सपोज, और फाइनल रीडिंग है 26.40। मीन्स इस रीडिंग पर हम जो डालते गए ब्यूरेट से नीचे कॉनिकल फास में, तो इस रीडिंग पर आकर के आपका कलर चेंज कर जाता है, जो इंडिकेटर आपने डाला है कलर चेंज, जैसे ही कलर चेंज करेगा कलर एंड पॉइंट पर कलर आएगा ब्लूविश वायलेट, ब्लू कलर का बैगनी रंग, जब ब्लूविश वायलेट कलर आ जाएगा तब समझना एंड पॉइंट आ गया, और ब्यूरेट से जो हम पोटासियम डाइक्रोमेट डाल रहे थे गिरा रहे थे वो गिराना बंद कर देंगे और रीडिंग ले लेंगे। तो फाइनल रीडिंग कितना आया 26.40, इस दोनों का डिफरेंस आया 25.30। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन उस कॉनिकल फ्लास्क का रिएक्शन मिक्सचर लिक्विड फेंक देंगे साफ कर लेंगे, उसमें फिर 25 ml दिया गया जो सॉल्यूशन है फेरेसाइन का मोर साल्ट का वो ले लिया, इंडिकेटर डाल दिया। अभी मान लो कि इसका इनिशियल रीडिंग है 0.95 और एंड पॉइंट है 26.15, डिफरेंस आया 25.20। फिर उसी तरह से थर्ड रीडिंग लिया उसमें डिफरेंस आया 25.20। तो कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या है हुआ 25.20, चूंकि इसमें तीन रीडिंग में से दो रीडिंग सेम आया तो कंकॉर्डेंट रीडिंग हो गया 25.20। मतलब क्या हुआ, फॉर 25 सीसी ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन 25.20 एन बाय 10 पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज। इंडिकेटर आपने क्या लिया है, यहां लिख दिया सोडियम डाइफिनाइल एमीन सल्फोनेट, एंड पॉइंट हुआ ब्लूविश वायलेट। ये आपने जो काम किया उसको टेबुलेट कर दिया, टेबल में टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे, इधर लिख दिया मोर साल्ट सॉल्यूशन, इधर डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, V1N1 इज इक्वल टू V2N2। ये लिखने का मतलब वॉल्यूम ऑफ V1 मीन्स वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन, N1 स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन, V2 स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, N2 स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो मोर साल्ट का वॉल्यूम आपने 25 लिया है और उसका स्ट्रेंथ आपको मालूम नहीं है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय N1 आपको N1 निकालना है। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका 25.2 आया है और स्ट्रेंथ उसका एन बाय 10 है, एन बाय 10 का मतलब 0.1, तो N1 क्या हुआ, दिस डिवाइडेड बाय 25.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 आया 2.52 और डिवाइडेड बाय 25 रिजल्ट आया 0.1008। ये स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी यानी स्ट्रेंथ किसका आया, मोर साल्ट सॉल्यूशन का, तो नॉर्मलिटी मिल गया। अब ग्राम पर लीटर इसका निकालना है,
इसका फार्मूला है ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी आया 0.1008 मल्टीप्लाइड बाय 55.85 जो फेरस आयन का इक्विवेलेंट वेट है, और रिजल्ट आया 5.63। इट मींस कि जो आयरन है, फेरस आयन है दिए गए सॉल्यूशन में, वह कितना है 5.63 एक लीटर में, ग्राम पर लीटर। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर, मींस 5.63 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। थैंक यू। तो रिजल्ट आपको मिल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह लेक्चर या पीपीटी आपको पसंद आया होगा। इसे आप अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन क्लिक करना नहीं भूलेंगे, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा और मेरा वीडियो देखने वाले सबसे पहले होंगे आप।